नमस्कार, हम अभी खड़े हैं जय हिंद यूथ फाउंडेशन के हेड ऑफिस ब्रांच पर, जहां यह ब्रांच जो हाई स्कूल से पूरब और गाजा बाजार शिव मंदिर से उत्तर साइड की ओर है, जो आप दिख रहा होगा यह एड्रेस भी लिखा हुआ है। यहां पर जय हिंद यूथ फाउंडेशन के बैनर तले यहां पे ई श्रम कार्ड मजदूरों को, किसानों को फ्री में बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है या उनसे बात करते हैं और बताते जानते हैं उनसे कि फ्री का क्यों प्रोपेगेंडा रखा, क्योंकि मार्केट में अभी 100 रुपया लिया जाता है एक एक श्रम कार्ड बनाने का। तो ऑफिस पे अभी सभी लोग मौजूद भी हैं, उनके कोषाध्यक्ष अध्यक्ष सभी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। कृषि सलाहकार सभी मौजूद हैं और किसान लोग भी मौजूद हैं, जो बनाने वाले हैं उन वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि फ्री में बनाया जा रहा है या नहीं। तो आइए हम उनसे मिलवाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारा सिस्टम रखा गया है और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ई श्रम कार्ड मजदूरों, किसान जो भी हैं उनको बनाया जा रहा है। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि सही में ई श्रम कार्ड फ्री में बनाया जा रहा है या नहीं, क्योंकि अभी जो है मार्केट में 100 रुपया 80 रुपया लेकर के ई श्रम कार्ड बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जय हिंद यूथ फाउंडेशन के बैनर तले यहाँ पे ई श्रम कार्ड फ्री में बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जय हिंद यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सभी को यहाँ पे मौजूद हैं, और यह आइडिया क्यों आया और यह क्यों बना रहे हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सभी लोग बनाने वाले भी हैं और यहाँ पे जो बनाने वाले व्यक्ति हैं वो भी हैं, इनसे बात करते हैं। जो कुछ लोगों का बन चुका है उनसे भी बात करते हैं। ई श्रम कार्ड आप लोगों का बन चुका है, फिर रुपया लिया गया? नहीं, रुपया लिया गया। तो हम यूथ फाउंडेशन के कार्यालय प्रभारी मंजय कुमार सर हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यह आइडिया उनके मन में क्यों आया और ये क्यों करवा रहे हैं। तो सर, दो सर अपने मुख से कहिए। नमस्कार सर, जय हिंद, मैं मंजय कुमार। सबसे पहले तो मुझे फ़ोन आया था ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए, तो जैसे हमारे अमित जी हैं इनसे भी बात हुई थी और कमेटी के कुछ सदस्य थे उनसे भी बात हुई थी, और बताया गया था कि मतलब जो बाज़ार में कुछ ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है ई श्रम कार्ड बनवाने में, और तो इनका कहना था कि हम अरेंज करते हैं और जितने भी सदस्य, कुछ लोग, कुछ सदस्य एक्टिव होकर के इस काम को बोले करेंगे हम, तो हम बोले ठीक है आप करवाइए ये सब, और सब जितने भी सदस्य थे सब मिल करके ये काम को स्टार्ट किए, और अच्छा खासा रिस्पांस मिला, लोगों ने आया, लाभ उठाया। और मैं चाहूँगा कि और भी जो लोग हैं जिनको ये श्रम कार्ड बनवाना है वो लोग आए और यहाँ आ करके और बनवाएं, और जहाँ तक हो सके हम लोग हेल्प करते रहेंगे। और अभी अभी आज शाम तक होगा और कोशिश करेंगे कि और भी डेट फिक्स किया जाए और उस दिन में भी मतलब हम लोग योगदान करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे कुसो पंचायत के सरपंच पति रामोदय जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और क्या इनके बारे में, इस संस्था के बारे में, यह जो ई श्रम कार्ड फ्री में बनाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं, इनसे भी दो शब्द जानना चाहेंगे। सर दो शब्द। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मुझे जानकारी मिली कमेटी के द्वारा कि हम लोग ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते मैंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ बैठा और मैंने देखा कि वाकई में ये ऐसा हो रहा है या सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। तो मैं अभी आकर के देखा और तमाम लोगों से बात हुई हमारी, तो ये लोग भी बताए नहीं कि हमारा जो है जो ई श्रम कार्ड है ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है ये मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि मतलब जय हिंद यूथ फाउंडेशन ने एक सही रास्ता चुना है, नेक रास्ता चुना है, और मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि ये यूथ फाउंडेशन हम लोगों को बहुत आगे लेके जाए और हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत आगे जाए हम लोग। धन्यवाद, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पे ई श्रम कार्ड देख सकते हैं आप, बैनर भी लगा हुआ है वहाँ पे, फ्री में भी जय हिंद फाउंडेशन के यहाँ पे सोशल मीडिया प्रभारी राजन जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और दो शब्द उनसे भी जानना चाहेंगे कि यह जो अभी चल रहा है काम इस फ्री में ई श्रम कार्ड बनाने का, उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द सर इसके बारे में। जय हिंद सभी साथियों को। सबसे पहले तो ये जो अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, अभी इसको बनाने में मार्केट में कम से कम 50 रुपया लगता है, तो वो अभी यहाँ नहीं ले करके अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया जा रहा है, तो इसमें तो अभी हम सभी आमजनों को तो ये सोचना चाहिए, कम से कम वहाँ हमको इतना फायदा मिलता है तो सभी लोगों को आकर कम से कम यहाँ आकर के इसका फायदा ले करके बनाना चाहिए, और ये हम लोग को नहीं सभी लोग को अभी बनाना चाहिए, काहे कि इसमें जो मजदूर
तबके के लोग हैं उसको सरकार के द्वारा कुछ सहयोग राशि दिया भी जाता है इसके अंतर्गत। इसलिए हम सभी जितने भी आम मजदूर लोग हैं सभी लोग से अब आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि ई श्रम कार्ड नहीं छूटना चाहिए। सभी लोग यहां आकर के जय हिंद यूथ फाउंडेशन के द्वारा अभी ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आकर के आज लगभग आज भर दिन शाम तक बनेगा। इसमें आकर के जो भी आदमी छूटे हुए बचे हुए हैं आके अभी बना ले, और कभी हम लोग को ऐसा होगा मौका दिया जाएगा तो दूसरा डेट में भी जो लोग बचे हुए हैं वो आकर बनाएंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसी तरह हम लोग का कार्यक्रम आगे भी चलते रहेगा। इसके लिए हम अपने साथी जो है का नाम जाना चाहेंगे कुलदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि कल भी भर दिन अपना टाइम दे करके अपना बनवाए और बहुत लोगों को बना भी है। दिखाइए अभी इन लोगों को अपना बना, देखिए और भी बढ़ चुका है लगभग 500 आदमी को कल भी बना है, आज भी कुछ लोग का बना है। इसलिए हम कुलदीप जी को और अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्या कि इन्हीं लोग के सहयोग से ये सब काम हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं जय हिंद यूथ फाउंडेशन को। इसी तरह आप आगे काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा नाम है दीपचंद, आप हमारा यूट्यूब चैनल केजीएम एंड केडी देख रहे हैं। कैमरे के पीछे कुलदीप खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।